नमस्कार, मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल हूँ, फीलिंग माइंड्स नाम की संस्था की निदेशिका, हिमा फाउंडेशन के कार्य में एक सलाहकार के रूप से जुड़ी हूँ और एक मनोवैज्ञानिक हूँ। आपसे ये मेरी तीसरी मुलाकात है। हिमा फाउंडेशन का जो कार्य है वो मुझे इसलिए इतना प्रिय है क्योंकि इस कार्य के द्वारा हम बच्चों को न केवल संस्कारों से बल्कि संस्कृति और प्रकृति से भी जोड़ रहे हैं। देखिए, मनुष्य होने के नाते हमारे मस्तिष्क का इतना विकास हुआ कि हम लोगों ने एक बड़ी लंबी यात्रा तय करी। कहाँ हम कुछ हजारों साल पहले जंगलों में गुफाओं में रहते थे और आज हम आलीशान जगहों में, फुल्ली एयर कंडीशन जगहों में रह रहे हैं। हमने अपने लिए सुख सुविधा के कितने सारे साधन जुटा लिए, है ना? पर इस यात्रा के दौरान कुछ हमने खोया भी है। वो क्या खोया? हमने प्रकृति के साथ जो हमारा नाता था उसको खो दिया। मुझे याद है मेरे बचपन में हम लोग प्रकृति से बहुत ही करीब से जुड़े थे। मेरे दादाजी रोज सुबह उठते और चींटियों को आटा डाला करते थे, कबूतरों के लिए बाजरा और जवारी के दाने खेत में या खुली सड़क पर या बागीचे में कहीं डाले जाते थे, पक्षियों के पीने के लिए छोटे छोटे बर्तनों में पानी छतों के मुंडेरों पर रखा जाता था। हम लोग भगवान के पूजन के लिए अलग अलग तरह के फूल इकट्ठे करने जाते थे सुबह सुबह, और हमें फूलों के रंगों की, फूलों की खुशबुओं की पहचान थी। आज अगर हम अपने बच्चों से ये पूछना चाहें कि बेटा ये गुलाब है या चमेली, ये मोगरा है या कन्हेर, ये पारिजात है, शायद वो नहीं बता पाएंगे। किताब में तो बता देंगे, चित्र देखकर तो बता देंगे, पर उनको उस फूल का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो शायद अब नहीं है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से क्या इस जुड़ाव का कोई महत्व है? क्या हमें पीसफुल कोएग्जिस्टेंस सीखना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, प्रकृति से कॉन्शियसली उन्हें जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए? इन सारी चीजों को लेकर हिमा फाउंडेशन द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत मूवी बनाई गई जिसका नाम है नेम प्लेट। इस मूवी की रूपरेखा में मैं आपसे 9 सितंबर को एक वेबिनार के रूप में मिलूंगी, जहां पर मैं पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के बहुत सारे सूत्र आप लोगों को दूंगी, आप लोगों से उसके बारे में चर्चा करूंगी कि कैसे हम अगर पूरे आसमान को अपनी छत माने और पूरी जमीन को अपनी धरती माने तो ये हमारा सबका घर है। ये संसार हम सबके लिए है, चाहे वो छोटे से छोटा जीव जंतु का क्यों ना हो और चाहे महाकाय मनुष्य क्यों ना हो। कई लोगों ने ये कहा कि कोरोना के इस प्रकोप के दौरान जब हम सब विश्व भर में लॉकडाउन में रहे तो प्रकृति ने सांस ली। जिस हवा को हमने जहरीला और प्रदूषित कर दिया था वो अपने आप स्वच्छ हो गई, नदियां खिलखिलाकर बहने लगी। क्या हम वाकई अपनी सुख सुविधाओं के को देखते हुए हमने प्रकृति को नज़रअंदाज करना तो नहीं शुरू कर दिया? इस बात पर बहुत ही सरल तरीके से हम विचार विमर्श करेंगे 9 सितंबर को, और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी हिमा फाउंडेशन की मूवी नेम प्लेट की रूपरेखा। नमस्कार।